फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, आप चले जाते होंगे, आप अपने बिजली के बिल को चेक करने अपने नज़दीकी मार्केट में जाते होंगे, तो आपका थोड़ा बहुत तो समय लग ही जाता है। तो फ्रेंड्स, उस समय की बचत करने के लिए आप यानी कि आप जाते हैं किसी के जनसुविधा केंद्र पर जाते हैं, वहाँ पर आप अपने बिजली के बिल को पे करते हैं और वहाँ पर अपने बिजली के बिल को चेक भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप घर बैठे इस वीडियो को देखने के बाद घर बैठे अपने बिजली के बिल को चेक भी कर सकते हैं और उसे पे भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से ही। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पर। आपको चले जाना है अपने गूगल में। फ्रेंड्स, आप अपने चले जाएंगे अपने स्मार्टफोन के गूगल में। गूगल में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सर्च करना है एम्पावर। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर पर एम्पावर मैंने पहले से ही सर्च कर रखा था, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले वाली पर वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। सबसे फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट नंबर और यहाँ पे IAM आगे वेरीफिकेशन। तो यहाँ पे आप थोड़ा जूम में कर देख कर दिखा देता हूँ, जूम आउट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नोट पैड से अपना अकाउंट नंबर पहले से ही कॉपी कर रखा, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल देता हूँ। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद यहाँ पे डाल देता हूँ, ये है जैसे कि यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जैसा है वैसे ही आपको यहाँ पे सबमिट करना है, नहीं तो आप अपना बिजली का बिल चेक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे ही अक्षर लिखे हुए हैं आपको वैसे ही यहाँ पे डालना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन नंबर मैं डाल देता हूँ फ्रेंड्स, EF6AE। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे देख सकते हैं आप, मैंने वेरिफिकेशन नंबर डाल दिया है यहाँ पे और अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, देख सकते हैं आप। ये देखिए प्रोसेसिंग ले रहा है फ्रेंड्स। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिजली का बिल आ चुका है फ्रेंड्स। यहाँ से आप देख सकते हैं आपके बिजली की सब कुछ ऑल डाटा आ चुका है, यहाँ तक पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे अकाउंट नंबर मैंने जो डाला था यहाँ पे शो हो रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर देखिए मैंने जो डाला था यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे नाम क्या है फ्रेंड्स, जिसके नाम से मैंने जिसका अकाउंट नंबर है, ये जिसके बिजली के बिल का अकाउंट नंबर है उसका नाम है भुल्लन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू डाटा, यानी कि आप देख सकते हैं नोट पेबल अमाउंट, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो अभी तक उन्होंने जमा नहीं किया है, बिजली का बिल पे नहीं किया है, उनका कितना आया है बिजली का बिल 1345 रुपये आया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज़ क्लिक हेयर टू व्यू मैटर रीडिंग इमेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको हमने बता दिया कि आप कैसे चेक करेंगे अपने बिजली के बिल को कितना आया है कितना नहीं। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना होगा अपना बिल पे करने के लिए, और ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैक चले जाएंगे और यहाँ पे नाउ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पे नाउ का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में पेटीएम बनाए हुए हैं पहले से ही, तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके आप बिजली का बिल पे कर सकते हैं अपने ही एंड्रॉयड फ़ोन से। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप अपने स्मार्टफोन से ही घर बैठे बिजली का बिल अपना कैसे चेक कर सकते हैं और उसे कैसे पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा, वीडियो पसंद आई होगी उम्मीद करता हूँ, तो वीडियो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स प्लीज़, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। और साथ ही
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही आए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।